Hello guys, hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of the latest video. Indian Navy 10 plus 2 B.Tech entry online form 2018. Navy में जाने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे B.Tech entry मिलती है, जो बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पर आपको पहुँचा देती है Navy में. तो चलिए जान लेते हैं इसकी क्या है क्राइटेरिया, उसके बाद में बात करेंगे. ज्वाइन इन द नेवी भारतीय नौसेना भर्ती आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ 10 प्लस 2 बीटेक एंट्री जुलाई 2019 एडमिशन थ्रू जीमेन 2018. दोस कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लीट द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन. चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम बताएंगे आपको इसमें जो है किसी भी प्रकार का किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी चालान पे नहीं करना है. और इम्पोर्टेंट डेट क्या है, यानी कि 30/10/2018 को, यानी कि आज ये पब्लिश हुआ है, एंड 3/11/2018 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा. आप कह सकते हो 22/11/2018 तक ही होगा. नो नीड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना. और मेरिट लिस्ट इज टू नोटिफाइड सून, जल्दी नोटिफाइड कर दिया जाएगा. देखिए इसमें जो मेन है वो है ये सबसे ज़्यादा ये एज लिमिट. इसमें न्यू कैंडिडेट्स आ सकते हैं, मैं समझता हूँ शायद जो इंटर करने के बाद 2 या 2.5 साल रुकता है तो उसकी एज से बाहर हो जाती है ये, तो इस पर खासा ध्यान रखना है, ठीक है ना. एंड जो सेकंड बात है वो ये कि आपको ये सब भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. कैंडिडेट्स मस्ट बी एनरोल्ड एंड अपीयर्ड इन जीमेन 2018 एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ये इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है. देखिए कैंडिडेट मस्ट बी एनरोल्ड एंड अपीयर्ड जीमेन 2018 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नंबर एक तो ये हो गई. एंड नंबर सेकंड क्या है, पास 10+2 एग्जाम विद 70% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 70% से ऊपर होना चाहिए पीसीएम में प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है. एंड मिनिमम 50% आपके ज़्यादा होने चाहिए इंग्लिश में, लगभग 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए. एंड 10th एंड क्लास 12th लेवल एग्जामिनेशन, और जो एग्ज़ाम होगा वो 10th एंड 12th का मिला करके हो जाएगा, ऐसा लेवल रखा जाएगा 10th 12th का, ठीक है. वही मिनिमम सब में होता है, कितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो मिनिमम वही रहता है. एंड जो हाइट आपको दिख रही है वो 1.57 सेंटीमीटर नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है. तो यही थे डेट, और जो लिंक जो एक्टिवेट होगी मैंने आपको बताया था ना, 3/11/2018 से एक्टिवेट हो जाएगी. तो जैसा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं किसी और की मदद करना, उन्हें ये बताना है इसके बारे में कि वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, दिलचस्प खबर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर. और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है आप कमेंट करते रहिए, इससे मुझे पता चलता है कि जो क्या वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद.